नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज चार बड़े अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं और इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं पहली बार करने जा रहा हूं, तो इस बारे में मुझे आपसे बात करनी है। ये वीडियो वही लोग देखें जो रेगुलर पढ़ते हैं, और तीन तरह के लोग होते हैं। जो पहला है जो कि SSC रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, और BSI वगैरह जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, 1-day एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारी करते हैं, तो वो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए दो बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो YouTube पर मुझे बराबर देखते रहते हैं, वो लोग भी अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। जिन लोगों को फुर्सत नहीं है या फिर जो बिजी हैं, काम पर जाना है, तो वो लोग नहीं भी जुड़ सकते हैं लास्ट तक, लेकिन बाद में ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। और वो लोग बिल्कुल न जुड़े जो ये सोचते हैं कि केवल एक सफल इंसान ही आपको गाइड कर सकता है, या फिर जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो तो गाइड कर ही नहीं सकता, तो ऐसे लोग ना जुड़े जिनकी सोच ऐसी है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो अब आते हैं अपने पहले अनाउंसमेंट पर। पहला अनाउंसमेंट ये है कि CS स्टैंडर्ड का मैं वीडियो बनाता था, तो उसमें जो है थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ मैं। स्टैंडर्ड PCS का ही रहेगा, लेकिन हर चैप्टर के दो पार्ट अब आएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो PT पर फोकस करेगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो मेंस पर फोकस करेगा। एक्चुअली क्या होता है, अभी जैसे देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें PT ज़्यादा है, लेकिन BPSC का मेंस भी है, तो जो मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट मिल नहीं पाता है। इसलिए मैंने ये किया है कि स्टैंडर्ड PCS का ही रहेगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं PCS स्टैंडर्ड तक का, SSC से लेकर PCS तक का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको वो वीडियोज़ काम आए, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो 50 साल के बाद भी काम आने वाला है, केवल अभी काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो और वीडियोज जो होंगे वो लंबे होंगे, ये बात तय है। वीडियोज लंबे इसलिए होंगे क्योंकि PT का भी सारा तथ्य मुझे इंक्लूड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके में इंक्लूडेड रहता है, जैसे मैंने 1857 की क्रांति पर बनाया भी है, तो PT में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, और जो भी आगे पूछे जा सकते हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड हैं। और दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है वो आपका मेंस को लेकर के बनाया है, जिसमें मैंने 1857 की क्रांति के बारे में बताया है और उसका प्रसार वगैरह के बारे में समझा करके बताया है। तो इसी तरह का आप जितना भी वीडियो आएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास का हो, भूगोल का हो, चाहे जिसका भी हो, हर वीडियो इसी दो अंदाज में आएगा। पहला पार्ट PT के लिए और दूसरा पार्ट आपका होगा मेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो सब लोगों के लिए है, जो भी SSC के स्टूडेंट हो, रेलवे के स्टूडेंट हो, BSI के स्टूडेंट हो, UP SSS के स्टूडेंट हो, पटवारी का एग्जाम दे रहा हूँ, या फिर कोई भी एग्जाम जो छोटा मोटा होता है वो जो दे रहे हो, BC D लेवल, बी तो नहीं, C और D लेवल, ये लोग जो दे रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने लूसेंट का वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से 20 दिन में हम लूसेंट को समाप्त कर सकते हैं। उस पर कमेंट आने शुरू हुए कि आप जब 20 दिन में समाप्त करने की बात कर रहे हो तो आप ही करा भी दो, ठीक है। मैं पहले सोचता था कि यार लूसेंट की किताब सबके पास होती है और बाकी जो जनरल नॉलेज की किताब है सबके पास होती है, तो वो खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर भी कमेंट आने शुरू हुए कि आप खुद ही पढ़ा दो, 20 दिन में 20 क्लास ले लो। और कुछ लड़कियों का भी मैसेज आया है मुझे व्हाट्सएप पर, जो ये कह रही हैं कि आप खुद ही कंप्लीट करा दो। तो ठीक है, आज आप लोगों के कमेंट पर डिपेंड करता है, और आप लोगों की रजामंदी पर डिपेंड करता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए शुरू। महामैराथन क्लास होगा ये, 20 दिनों का क्लास होगा, और मैं रात में वीडियो बनाऊंगा। दिन में घर में चुकी रहता हूं तो लगातार 3 घंटे फुर्सत नहीं मिल पाती। हर वीडियो जो होगा वो 3 घंटे का होगा, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि डेली आपको 3 घंटा पढ़ना होगा, तब आप जो है 20 दिन में पूरा लूसेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो हर वीडियो 3 घंटे का होगा, 20 वीडियो का सीरीज आएगा, और उसमें सारा लूसेंट समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट लूसेंट में पढ़ना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है, केवल वही बताऊंगा। लूसेंट में भी सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लास जो होगा वो लूसेंट का होगा, 20 दिनों का क्लास, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 20 दिनों का क्लास होगा, डेली 3 घंटे का वीडियो आएगा, ठीक है। और रोज सुबह रात में मैं वीडियो बनाऊंगा और रोज सुबह अपलोड कर दूंगा, आप लोग सुबह सुबह उसको देख पाएंगे, ठीक है, 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये 20 दिन का होगा। तीसरा जो अनाउंसमेंट है वो भी सभी के लिए, चाहे वो PCS स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर उससे नीचे के लेवल के स्टूडेंट हो, ग्रुप C D B कोई भी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये तीसरा अनाउंसमेंट है। तीसरा अनाउंसमेंट ये है कि
अब जो है मैं जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने बदलाव किया है कि मैं लगातार वीडियो मतलब किसी भी टॉपिक पर नहीं बनाऊंगा। अब मैंने टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। जैसे अभी मैं सबसे पहला जो वीडियो डालूंगा उसमें आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों रिपोर्ट्स और जो इंडेक्स होते हैं उनका एक अलग वीडियो होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सैन्य अभ्यास है जनवरी से लेकर के जून तक जितना भी हुआ है वो सारा एक वीडियो में होगा, ठीक है। इसी तरह से जो प्रसिद्ध जो पुस्तकें रही हैं या पुरस्कार जो मिले हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, खेल खिलाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या पटवारी का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो, इन एग्जाम्स में जिन चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर मैं अलग अलग सेक्शन वाइज वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अगले 10-15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो उनमें ये वीडियोज बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ये भी वीडियो लंबे होंगे, जैसे इंडेक्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। सैन्य अभ्यास है तो तुरंत कंप्लीट हो जाता है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगे। तो वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या मैंने चुना है और कितना तथ्य उसमें है, क्योंकि कोई भी तथ्य छूटेगा नहीं, इतना तय। ये मैंने निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं वीडियो ये नोट्स बना रहा था, नोट्स मैं अपने लिए बना रहा था, ये इंडेक्स और सूचकांक और आपके रिपोर्ट्स के, उसमें मैंने देखा कि एडुटेरिया मैंने उठाया था, अरिहंत उठाया था, और मैंने एसपीडी उठाया। जब मैंने वीडियो बनाया था और इन तीनों की चर्चा की थी कि इन तीनों में से कोई 2 किताब पढ़ लीजिए, तो आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, एडिटोरिया कैसा है कैसा नहीं है, ये सब पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि तीनों को मिला करके क्यों ना ऐसा वीडियो बना दिया जाए, ऐसा नोट्स बना दिया जाए कि कोई भी फैक्ट छूटे ही ना, है ना। तो इस कारण से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि इंडेक्स में एक जगह एडुटेरिया में गलती मुझे मिल गई। तो पहला ही जो नोट्स मैं बना रहा था उसमें एडुटेरिया में मुझे गलती मिल गई, जिसमें आपका एक इंडेक्स है GPI जिसको कहते हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ठीक है, ग्रेडिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स इस तरह से है, ठीक है। तो उसमें जो है गलती मिल गई, छत्तीसगढ़ होना चाहिए चंडीगढ़, लेकिन उसकी जगह पर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। तो यदि वो क्वेश्चन यदि आता है और आप चंडीगढ़ की जगह पर छत्तीसगढ़ को मार्क कर देते हो तो बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। और एक एक नंबर से आप जानते हैं कि कट ऑफ आज का छूट रहा है। तो मैंने प्रवीण सर का जो आपका फेसबुक पर ग्रुप है एडुटेरिया फैमिली करके, तो उस पर भी मैंने ये पोस्ट किया है। अब देखते हैं वो अप्रूव करते हैं कि नहीं और उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं। मैंने उनको भी इंगित किया है कि यहाँ पर किताब में गलती लिखी हुई है और लाखों छात्र आपके किताब पढ़ते हैं, तो उनको जरा आप बता दीजिए कि यहाँ पर गलती हो गई है, वो लोग सुधार लेंगे अपनी अपनी किताब में। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्स उनका पॉजिटिव रहता है या नहीं रहता है, कि उनके भी स्टूडेंट जो वो महान सर की तरह गालियां देना शुरू करते हैं। खैर, छात्र हित में जो करना था मैंने किया है। अच्छा, चौथा अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि आपका जस्ट यूपी का एग्जाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पर मैंने बना दिया है, यूपी पीएससी और आरओ दोनों का एग्जाम आने वाला है। एक का आपका अक्टूबर लास्ट में है और एक का आपका नवंबर या दिसंबर में है, ठीक है। तो दोनों की तैयारी जो है उसमें जीएस लगभग सेम होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस को कैसे पूरा किया जाए और यूपी पीएससी और आरओ एआरओ दोनों की तैयारी साथ में कैसे की जाए, इस पर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए कि कितना टाइम बचा हुआ है, लगभग 80-90 दिन बचा हुआ है, उसमें किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि एसएससी CGL, CHSL और जो आपका MTS होता है उस पर मैं एक रणनीति बनाऊं कि किस पर कौन सा बुक ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा क्वांट के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा इंग्लिश के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा रीजनिंग के लिए अच्छा रहेगा, किस प्रकार से तैयारी की जाए कि ओवरऑल तैयारी हो जाए और इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी ही, ठीक है। तो ये सारे 4 अनाउंसमेंट थे जो कि मुझे आपको बताना था। उम्मीद है आप लोग को ये बदलाव पसंद आएंगे और आप लोगों के कमेंट पर निर्भर करता है। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दूंगा, लूसेंट का जो क्लास होगा उसके लिए आज मैं शाम में एक पोस्ट करूंगा जिसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूंगा कि भैया जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो किस प्रकार की मेहनत आपको करनी है, सबसे पहला तो ये होगा कि किताब लेकर के सामने बैठना होगा, क्योंकि हर पॉइंट मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ और
जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है केवल वही पर आने वाला हूं। तो जो पॉइंट मैं बताऊं उसको अपने किताब पर स्टार मार्क करते जाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको किताब ले करके बैठना होगा, ओके। और दूसरा और भी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, तो वो मैं बता दूंगा आज इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि लूसेंट पर जब मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर बिहार एसआई का मैंने रणनीति बनाया था या यूपी ट्रिपल एससी का रणनीति बताया था, तो उस पर ज़्यादा लोग देखते हैं उसको। तो मुझे एहसास हुआ कि यार ज़्यादा लोग जो हैं मेरे ग्रुप में जुड़े हुए या फिर मुझसे जुड़े हुए वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं केवल पीसीएस पर फोकस कर रहा था। तो ये गलत है, केवल पीसीएस पर फोकस कर रहा हूँ और बाकी सब लोग जो जुड़े हुए हैं वो महरूम हैं मेरे वीडियोज़ से और मेरे कंटेंट से, तो ये नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने लूसेंट पढ़ाना शुरू किया है अपने जीवन में पहली बार, कि मैं लूसेंट के मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं। और दूसरा ये भी जो कर रहा हूं मैं कि अलग अलग सारा इंडेक्स और पुरस्कार और खेल खिलाड़ी और बाकी सब करना, अलग अलग वीडियो बनाना करंट अफेयर्स का, तो वो भी मैं पहली बार करने जा रहा हूं। तो दो चीज़ें मैं अपने जीवन में पहली बार कर रहा हूं और इसके पीछे कारण है। मेरे साथ चार घटनाएं हुई हैं पिछले एक सप्ताह में। पहली तो यही हुई कि बहुत सारे लोग जो है लूसेंट वाले वीडियो पर कमेंट करने लगे और मुझे मैसेज भी करने लगे कि आप लूसेंट पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो। और मैं अब तक सोचता था कि लूसेंट तो लोग खुद ही पढ़ लेते होंगे, तो ये थोड़ा सा सोच में बदलाव मेरे आया है। दूसरा कि एक बड़ी ही दुखद घटना मैंने सुनी प्रयागराज से, जहाँ पर एक लड़का जो है वो तैयारी कर रहा था कंपटीशन की और उसने आत्महत्या कर ली केवल इस कारण से कि उसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा यार, और मैंने देखा, मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि अधिकतर वैसे ही स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं जो कि आपका छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस और यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसके अंदर वो जानता है, जो तैयारी कर रहा है और सही से तैयारी कर रहा है वो जानता है कि पेशेंस और परसिस्टेंस ये ज़रूरी है वो तैयारी करने के लिए, और उसमें एक तरह का मैच्योरिटी लेवल भी आ जाता है तैयारी करते करते। तो वो ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, ऐसा गलत कदम वही उठा सकते हैं जो कि 25 साल के नीचे के नौजवान हैं जो कि अभी नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, 3-4 साल हुए हैं और वो जल्दी से हार मान जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है आपका दिक्कत हो रही थी और मैंने सोचा कि यार नहीं, अब जो है इन लोगों की भी मदद की जाए ताकि इन लोगों को भी क्वालिटी कंटेंट मिले और सर एक ही जगह पर इन सब की तैयारी हो जाए, और अगर एक भी जान बचाने में मैं कामयाब हो पाता हूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, यह मेरा मानना है, ठीक है। तो ये एक घटना हुई। और एक और मैंने पढ़ा, एक आर्टिकल बड़ा अच्छा पढ़ा मैंने, कि एक इंसान थे 34 एग्ज़ाम अपने जीवन में दिए, 34 एग्ज़ाम्स उन्होंने अपने जीवन में दिए, एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर और बाकी सारे एग्ज़ाम्स वो देते रहे, 34 एग्ज़ाम में वो अपने जीवन में फेल हुए, ठीक है, कभी भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन उसके बाद जो है 35वें एग्ज़ाम में उनको बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है और वो जो है एक अधिकारी के रूप में अभी पदस्थ हुए हैं, ठीक है, शायद वाणिज्य विभाग में या किसी विभाग में हुए हैं, तो वो अधिकारी बने हैं। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि यार सफल होना जो है ना वो भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में जो है वो कर्म है, तो हमें कर्म करते जाना चाहिए। और यही कारण है कि मैं संघर्ष करने को तैयार हूँ। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, ना देखो, कभी तो देखोगे जब इधर उधर से थक हार करके आओगे, तो कभी तो देखोगे, और एक बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे छोड़ करके जाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे स्रोतों से बनाता हूँ और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं वीडियो के दौरान समझाता हूँ, बहुत सारे कोट्स होते हैं जो कि मैं वीडियो के दौरान बोलता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बोलता हूँ जो आपको ज़िंदगी में काम आती है, ठीक है। तो आप एक बार कम से कम पूरा वीडियो ऑनलाइन ज़रूर देखा करिए। मैंने देखा 1857 की क्रांति पर मैंने वीडियो बनाया, पूरा घटनाक्रम बहुत अच्छे से समझाया और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया, लेकिन 60 लोग अभी तक देखे हैं और उसमें से सब लोगों ने मिलकर के मात्र 1.5 घंटे देखा है उस वीडियो को, जबकि 44 मिनट का वो वीडियो है। तो आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट सब लोगों ने देखा है, हो सकता है डाउनलोड करके पूरा देखे होंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा फ़ायदा क्या है आप लोगों को पढ़ाने में, मेरा फ़ायदा सिर्फ इतना है कि यदि आप ऑनलाइन एक बार देख लेते हो तो मेरा वॉच आवर कंप्लीट हो जाता है, और यदि वॉच आवर 4000 घंटा पूरा हो जाता है तो आपका जो YouTube है वो मोनेटाइज कर देता है चैनल को, कुछ पैसे आने लगते हैं, ठीक है। तो मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि
चैनल मोनेटाइज हो जाए तो कुछ आमदनी शुरू हो जाए, मुझे प्रेरणा मिलती रहे आप लोगों को पढ़ाने की, ठीक है। केवल इतना मोटिव है, और बाकी तो बड़ा जो उद्देश्य होता है वो तो है ही कि देश और समाज की सेवा की जाए, वो तो हमेशा रहेगा और हमेशा है भी, ठीक है। तो चलिए इतना ही बात मुझे कहना था, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो, वैसे चार ही लोग बच गए हैं, मुझे पता है मेरा भाषण ज़्यादा लोगों को पसंद आता नहीं है। वैसे आज मैंने कोशिश की है कि भाषण ना दूँ और लोगों को डांटूँ ना या फिर फटकारूँ ना, जो मैं हमेशा करता हूँ अपना समझ करके, आप लोगों से शिकायत भी करता हूँ और डांट भी देता हूँ कभी कभी। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपसे डर लगता है भैया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, आप लोगों के सामने मुस्कुराऊँ थोड़ा थोड़ा, जो आप लोगों को नौटंकी पसंद है महान सर की, तो उस तरह से भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग पढ़ लो, हर तरह का प्रयास मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए तीन लोग बाकी रह गए हैं, अगर आप लोगों को भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग चले जाएंगे तो मैं भी चला ही जाऊँगा, ठीक है। दुनिया भर में ये होता है कि जो वक्ता होता है, जो सामने से, तो दुनिया भर में ये होता है कि जो वक्ता होता है वो सामने से अनाउंस करता है कि हाँ मीटिंग समाप्त हुई। यहाँ पर मेरे जो सुनने वाले हैं वही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो तुम भी निकलो, अब तुम्हारा काम खत्म। तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता हूँ मैं, वैसे भी कॉल आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी है जैसा भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।